सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा है उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय मसीह की। परमेश्वर की प्रेजेंस में आप सबका स्वागत है। हालेलुया। आप सभी अपने स्थानों पर बैठ जाएं, आत्मा में रहें और परमेश्वर के वचन के लिए सब जन धन्यवाद करें। सबसे पहले हम देख सकते हैं कि परमेश्वर के घर में परिवार आते हैं। हालेलुया। परिवार, फुल परिवार भी हम देखते हैं। परिवारों में से कुछ सदस्य आते हैं या फिर परिवार में से सिर्फ एक जन आता है। तो क्या परमेश्वर ने, मैं बताना चाहती हूँ कि परिवारों को चुना है। हालेलुया। जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हजारों सालों पहले जब परमेश्वर पृथ्वी पर आए तो परमेश्वर कहाँ पर आए थे? मरियम के द्वारा परमेश्वर आए, लेकिन साथ में यूसुफ के घर में जहाँ पर और भी और बेटे और बेटियाँ उनके थे, तो एक परिवार को परमेश्वर ने अपना उद्धार का कार्य करने के लिए चुना था। हालेलुया। कितने जन इस चीज़ को समझते हैं और उन्होंने पढ़ा है और वे जानते हैं कि परमेश्वर ने अपना उद्धार का कार्य कैसे किया? एक परिवार से। अपने उद्धार का कार्य, अपने बड़े कामों को, अपने जी उठने की सामर्थ्य को दिखाने के लिए परमेश्वर ने किसे चुना? परिवार को। हालेलुया। आप में आज फुल परिवार, जो कुछ लोग या परिवार का एक जन यहाँ पर होगा, लेकिन इस वचन को सुनने के बाद परमेश्वर आपके परिवारों को ब्लेस करेंगे। आमीन। क्योंकि हम बाइबल में देखते हैं कि परमेश्वर, बाइबल में नए नियम में हम देखते हैं कि परमेश्वर परिवारों में जाया करते थे। हालेलुया। काना नगर की उस शादी में गए परमेश्वर, उस परिवार में गए। दूसरा परमेश्वर जैरुस के घर में गए। तीसरा परमेश्वर मार्था मरियम के घर गए। चौथा परमेश्वर जक्कई के घर गए। हालेलुया। परमेश्वर जिन जिन परिवारों में गए, हम देखते हैं बाइबल में कि उन परिवारों में परमेश्वर की सामर्थ्य, परमेश्वर की जी उठने की गवाही, परमेश्वर के चिन्ह, परमेश्वर के चमत्कार और परमेश्वर के मिरेकल हुए। आमेन। जब परमेश्वर काना नगर की उस शादी में गए तो क्या हुआ? शर्मिंदगी दूर हुई और वो मैरिज सक्सेसफुल हुई। हालेलुया। जब परमेश्वर जैरुस के घर गए तो क्या हुआ? मुर्दा बेटी जी उठी। आमेन। जब परमेश्वर मार्था मरियम के घर गए तो क्या हुआ? लाजर, उनका भाई जो 4 दिन से मुर्दा था, वो क्या हुआ? वो जी उठा। जब परमेश्वर जक्कई के घर गए तो क्या हुआ? जो अन्यायपूर्ण रीति से अपना काम करता था, जो पापी था, जब परमेश्वर उसके घर में गए तो तब भी उसने तौबा की। जक्कई ने अपना मन फिराया गलत कामों से और सारा पैसा जो गलत तरीके से इकट्ठा किया था उसे वापस किया। और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने, जब हम बाइबल में देखते हैं, तो क्या कहा? कि आज जक्कई के घर में उद्धार, मुक्ति आई है। आमेन। तो जब जब परमेश्वर परिवारों में गए, फैमिलीज में गए, हम बाइबल में देखते हैं परमेश्वर का उद्धार, परमेश्वर के चिन्ह, परमेश्वर के चमत्कार, परमेश्वर की सामर्थ्य वहां वहां उन्होंने परिवारों में जाया करती थी। आमेन। तो उसी तरह से आज जितने परिवार मैं यहाँ पे देख रही हूँ, आप सभी की लाइफ्स में परमेश्वर जाएंगे, आपकी सभी की लाइफ्स में परमेश्वर के चिन्ह और चमत्कार और परमेश्वर की जी उठने के सामर्थ्य आपकी लाइफ्स में जाएगी। आमेन। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा? परमेश्वर को अपनाना होगा, परमेश्वर को हृदय से सच में परमेश्वर की ओर चलना होगा, परमेश्वर की ओर फोकस रखना होगा। आमेन। जब हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता, हमें ऐसा लगता है कि इम्पॉसिबल है कि हमारी सिचुएशन चेंज हो, तब परमेश्वर को मानना। हालेलुया। जब बार बार रिजेक्शन हो कि ये तो हो ही नहीं सकता, फिर भी किसी अन्य उपायों की ओर ना जाकर, किसी अन्य उपासना ना करके परमेश्वर को मानना। आमेन। तभी परिवारों में मुक्ति और उद्धार आएगा, जो जक्कई के घर में आया था। आमेन। तो ये सिर्फ देखने मात्र से कुछ नहीं होगा कि जक्कई गुलर के पेड़ के ऊपर चढ़ गया और वो देख रहा है परमेश्वर की ओर, लेकिन परमेश्वर उसके पास आकर क्या बोले कि जक्कई, आज मुझे तेरे घर में ठहरना है। हालेलुया। सिर्फ माई नेम इज जॉन एंड आई एम अ क्रिश्चियन, ये कहने से कुछ नहीं होगा। सिर्फ अपना नाम बदलने से और आप क्रिश्चियन बन गए हैं, ऐसा कहने से कुछ नहीं होगा। सिर्फ देखने मात्र से कुछ नहीं होगा। परमेश्वर ने वहां पर हमें एक क्लीसिया को ये समझाना चाहते हैं कि सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा, मेरा तेरे घर में आना इम्पोर्टेंट है। हालेलुया।
सो जैसे ही जकई के घर में परमेश्वर गए, उसकी लाइफ चेंज हो गई, उसने तौबा की, उसने वचन सुना, विश्वास किया, तौबा की, सब कुछ अन्यायपूर्ण रीति से कमाया वापस किया, और लिखा है कि परमेश्वर ने कहा कि अब तेरे घर में मुक्ति आई है। हालेलुया। उसी तरह से जब तक एक विश्वासी सिर्फ देखता रहे परमेश्वर को दूर से, अपनी लाइफ चेंज ना करे, तो आई थिंक उसकी लाइफ में इम्पॉसिबिलिटीज खत्म नहीं हो सकती। हालेलुया। सिर्फ देखने से, बाइबल घर में पड़ी है और सिर्फ देख रहे हैं, ऐसे कोई भी आपकी लाइफ की इम्पॉसिबिलिटी, असंभवता जो आपकी लाइफ में एक बड़ी दीवार की तरह है, वो खत्म नहीं हो सकती जब तक आप उस बाइबल को पढ़ेंगे नहीं, उस बाइबल में परमेश्वर का वचन क्या कहता है उस पर मनन नहीं करेंगे, उस पर ध्यान नहीं लगाएंगे, तब तक परिस्थितियां एज इट इज बनी रहती हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमें ये सिखाने के लिए कि जब कहीं सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा, तेरे घर में मेरा आना इम्पॉर्टेंट है। जब तक मैं तेरे घर में, तेरे परिवार में नहीं आऊंगा, तब तक परिस्थितियां चेंज नहीं होंगी, तब तक तुम्हारी लाइफ जो है पवित्रताई में नहीं जाएगी, तब तक तुम अपनी पापों से, अपने बुरे कामों से तौबा नहीं कर सकते। हालेलुया। तो इसीलिए हम सिर्फ परमेश्वर को देख रहे हैं, हमने अपना नाम चेंज कर लिया, हम क्रिश्चियन हैं, हम चर्च जाते हैं, ऐसा करने से कुछ नहीं होगा, कोई खास चेंज नहीं होगा, आपको परमेश्वर के बारे में समझ आ सकती है कि परमेश्वर जी उठने की सामर्थ्य रखता है, लेकिन जब तक आप परमेश्वर को ग्रहण नहीं करेंगे इंडिविजुअली और पूरे परिवार समेत, परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे नहीं, मानेंगे नहीं, तब तक उद्धार नहीं आ सकता। हालेलुया। जो आप आई थिंक उद्धार समझते हैं कि हम क्रिश्चियन हो गए, बपतिस्मा ले लिया, ये तो है ही, लेकिन लाइफ में टेस्टमनी भी चाहिए ना दूसरों को बदलने के लिए, तो वो कब आएगी? जब परमेश्वर को ग्रहण करोगे अपनी लाइफ में। सिर्फ दूर से वचन सुनने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ सुन रहे हो ऐसे कुछ नहीं होगा, आपको परमेश्वर को ग्रहण करना पड़ेगा, यीशु को जानना होगा, उसको पहचानना होगा, यीशु को मानना होगा, यीशु को अपने परिवारों का केंद्र बनाना होगा। आमीन। तब परिस्थितियां चेंज होंगी। हालेलुया। परमेश्वर हमें ब्लेस करते हैं, परमेश्वर हमें चुनते हैं अपने कामों के लिए, हमें इस्तेमाल करते हैं, लेकिन परमेश्वर में बने रहना, परमेश्वर को अपने परिवारों का केंद्र बनाना, और परमेश्वर हमारी लाइफ से इम्पॉसिबिलिटीज खत्म करे और गवाहियां आए और गवाहियां बढ़ें और बढ़ें, इसके लिए क्या करना होगा? यीशु को मानना होगा, यीशु को पहचानना होगा, यीशु को अपने परिवारों का केंद्र बनाना होगा। कितने जन समझ रहे हैं? तो सबसे पहले प्रार्थना करें अपनी आंखों को बंद करके कि परमेश्वर आज से मैं अपने परिवार का केंद्र, मैं यीशु तुझे मानता हूं। जकई की तरह सिर्फ दूर से तुझे देखता नहीं, बल्कि परमेश्वर तुझे अपने घर में, अपने परिवारों में, अपनी लाइफ में तुझे ग्रहण करता हूं। मैं तुझे आज दिल से ग्रहण करता हूं परमेश्वर, क्योंकि मैं जान गया हूं कि केवल देखने मात्र से कुछ नहीं होगा, परमेश्वर तेरा मेरी लाइफ में, मेरे परिवार में आना जरूरी है, तेरा मेरी लाइफ में, मेरी फैमिली में, मेरे बच्चों की जिंदगी में आना जरूरी है। तो परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूं आज इस प्रेजेंस में कि सचमुच आज तू मेरे घर में, तू मेरे परिवार में, तू मेरी फैमिली में आ जाएगा। खुदावंद, हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। मैं आज एक्चुअली आपको बताना चाहती हूँ कि मैं किसी टाइम पर इम्पॉसिबिलिटीज में जी रही थी, कि मैं ऐसे इम्पॉसिबिलिटी में थी कि मैं खड़ी होकर बोल ही नहीं सकती, और ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी दीवार थी। लेकिन परमेश्वर को जानने के बाद, परमेश्वर में आने के बाद और सच में ग्रहण करने के बाद अपने परिवार में, परमेश्वर ने मेरी लाइफ की यह सबसे बड़ी असंभवता, जो इम्पॉसिबिलिटी थी, परमेश्वर ने उसे दूर किया। हालेलुया। तो मैं ये चाहती थी कि मैं आपको भी ये बताऊं कि आपकी लाइफ की कोई भी इम्पॉसिबिलिटी, कुछ भी असंभव जो आपको लगता है, वो परमेश्वर पॉसिबल कर सकते हैं। हालेलुया। लूका 1:37 में लिखा, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। परमेश्वर का वचन कहते हैं कि प्रभाव रहित नहीं होता। जब हम इंग्लिश में देखते हैं तो फॉर विद गॉड नथिंग शैल बी इम्पॉसिबल, कि परमेश्वर का वचन जो
कभी प्रभाव रहित नहीं होता। जब वो हमारी लाइफ्स में आता है तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं रहता, फिर सब कुछ पॉसिबल हो जाता है। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या है, वो हमें चंगा करता है, वो पावरफुल है, वो सामर्थ्य है, हमारी लाइफ्स को ग्लोरीफाई करता है। परमेश्वर का वचन अमेजिंग है, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम से बड़ा है, बड़े से बड़े केस से बड़ा है, बड़ी से बड़ी कठिन परिस्थिति से परमेश्वर का वचन बड़ा है। हालेलुया, हम बाइबल में जब देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने मुर्दों को जब जीवित किया, तो परमेश्वर ने जैरुस की बेटी को जीवित किया। सबसे पहले जब उसे जीवित किया तो वो क्या थी, कहते हैं कि अभी मरी थी। जब परमेश्वर उसके घर में गया तो तभी वो मरी थी अभी, और परमेश्वर ने उसे जीवित किया। दूसरा, उस विधवा के बेटे को जिसे शोल्डर्स कंधों पर लिटाकर उसे दफनाने के लिए लेके जा रहे थे, जिसे कुछ समय हो चुका था, घंटे या एक दो दिन बीत गए थे, उस व्यक्ति को परमेश्वर ने जीवित किया। तीसरा, परमेश्वर ने मार्था और मरियम के भाई लाजर को, जो ऑलरेडी 4 दिन से दफनाया जा चुका था, मर चुका था, जिसे मुर्दों के कपड़े पहना दिए थे, कफन पहना दिया था, जिसे दफना दिया था, 4 दिन हो चुके थे, परमेश्वर ने तीसरा उसे जीवित किया। हालेलुया, तो परमेश्वर की इन हीलिंग्स का, इन इंसिडेंट जो हुए, परमेश्वर अपने विश्वासियों को ये कहना चाहते थे कि आपकी प्रॉब्लम को कितना टाइम हो गया है, कितनी लंबी है, ये कोई मायने नहीं करता। हालेलुया, आप अपनी लाइफ की जो प्रॉब्लम है आपकी, आपकी बीमारी या आपकी ये परिस्थिति या लड़ाई झगड़े अभी स्टार्ट हुए हैं, या आपको कई साल हो गए हैं इन प्रॉब्लम्स में, या आपकी ज़िंदगी ही गुजर चुकी है इन प्रॉब्लम्स में, परमेश्वर ने कहा ये मायने नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर के लिए कुछ भी लेट नहीं है। परमेश्वर के लिए सब कुछ पॉसिबल है, जो कि आम लोगों को, जो हमें देखने को इम्पॉसिबल लग सकता है। हालेलुया, परमेश्वर ने अभी मरी हुई को जिंदा किया, कुछ घंटों मरे हुए को जिंदा किया, कई दिनों से मरे हुओं को जिंदा किया। हालेलुया, हमें इससे क्या पता चलता है कि परमेश्वर के लिए हमारी प्रॉब्लम, जो चाहे बहुत सालों से हैं, चाहे हम बूढ़े हो चुके हैं इन प्रॉब्लम्स में, चाहे वो अभी शुरू हुई हैं, ये मायने नहीं करता। जब हम परमेश्वर में सही रीति से आगे बढ़ते हैं तो ये प्रॉब्लम्स जाती हैं। आमीन, क्योंकि परमेश्वर का वचन प्रभाव रहित नहीं होता, कुछ भी इम्पॉसिबल परमेश्वर के लिए नहीं है। आमीन, हम जब देखते हैं कि आजकल लोग इतनी इम्पॉसिबिलिटीज में जी रहे हैं कि अब ये हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल नहीं है कि मैं जो इतने 25 साल से किराए के घर में रह रही हूँ, अभी मकान की किश्तें देने वाली है, अभी मकान का रेट हाई हो रहा है, फजूल खर्ची इतनी है, मैं अपने घर में नहीं जा सकता। ये क्या है, ये एक इम्पॉसिबिलिटी है जो जिसमें विश्वासी आज जी रहे हैं। कोई बिजनेस करता है और उसमें इतना ज़्यादा लॉस हो गया, प्रॉफिट तो सोचो ही मत, दूर की बात है, अभी जो लॉस है उसे भी वापस नहीं मिल सकता। ये क्या है, ये एक इम्पॉसिबिलिटी है। लड़कियां जो क्रिश्चियन हो चुकी हैं, मदर्स उनके रिश्ते ढूंढ रही हैं, रिश्ते नहीं मिल रहे हैं, सभी रास्ते बंद हैं, सभी ओर से रिजेक्शन है, अच्छा रिश्ता मिलना इम्पॉसिबल है। हालेलुया, बच्चों के को सब कुछ वो हार्डवर्क करते हैं, एग्जामिनेशन में जैसे ही बैठे सब कुछ भूल गया, तो अच्छे रिजल्ट मिलना इम्पॉसिबल है। आज लोग अपनी अपनी इम्पॉसिबिलिटीज़ में जी रहे हैं। कितने जन समझ रहे हैं, आई थिंक आप में से बहुत से लोग इन इम्पॉसिबिलिटीज़ में जी रहे होंगे, लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि जब हम परमेश्वर में खड़े रहते हैं तो परमेश्वर का जो वचन हम पढ़ते हैं, जो प्रभाव रहित नहीं होता, परमेश्वर के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, तब ये सब कुछ परमेश्वर खत्म करके हमें विजयी करते हैं। हालेलुया, हम जीतते हैं अपनी लाइफ में जब हम परमेश्वर में खड़े रहते हैं। ये इम्पॉसिबिलिटीज़ हैं जो लगता है कि नहीं, कभी भी हम इन इम्पॉसिबिलिटीज़ को कभी पार नहीं कर सकते, और शैतान भी मन में डालता है कि ये नहीं हो सकता, ये बहुत बड़ी इम्पॉसिबिलिटी है, ये कभी पॉसिबल नहीं कि तू इसे कभी जीत पाए, तू अपने घर में जाए, ये पॉसिबल नहीं, तेरे बच्चे अच्छे रिजल्ट्स लें, ये पॉसिबल नहीं, तेरी लड़की का अच्छा रिश्ता हो, ये पॉसिबल नहीं। लोग इम्पॉसिबिलिटीज़ में जी रहे हैं क्योंकि परमेश्वर का वचन नहीं है, और जब परमेश्वर का वचन आएगा तो वो आपके माइंड को, आपकी सोचों को सिक्योर करेगा, वो प्रोटेक्शन देगा आपकी सोचों को, और आप परमेश्वर के अनुसार चलेंगे, और आप ही आपके साथ दिलेरी के साथ चलेंगे परमेश्वर में, फिर आप डरेंगे नहीं। हालेलुया, इम्पॉसिबिलिटीज के ऊपर आप वर्क करेंगे फिर, लेकिन जब परमेश्वर ही नहीं है, परमेश्वर का वचन ही नहीं है, तो जो लग रहा है, जो दिखने में देख रहे हैं आप, उसे ही आप सच मानेंगे, और आप इफेक्टिव क्रिश्चियन फिर नहीं बन सकेंगे। हालेलुया,
तो इसके लिए इम्पॉसिबिलिटीज के ऊपर जीत पानी है सबसे पहले, इम्पॉसिबिलिटीज को फतेह करना है। मैं यहाँ पे खड़ी हूँ तो मुझे पता है मैंने अपनी लाइफ के 8 से 10 साल किस तरह से शर्मिंदगी में गुजारे थे, किस तरह से बोल नहीं सकती थी, किस तरह से मुझे लगता था मैं बहुत ही शर्मिंदगी में और बहुत दुखी रहती थी। आज मैं अपने इम्पॉसिबिलिटी को पॉसिबल करके यहाँ पे खड़ी हूँ, हालेलुया। तो ये पॉसिबल है कि मेरे सन्स और डॉटर्स भी इन इम्पॉसिबिलिटीज को आप भी हरा सकते हैं और पॉसिबल कर सकते हैं, आमीन। तो कभी भी मैं आपको कहना चाहती हूँ कि कभी भी घुटने मत टेको असंभव के आगे, हालेलुया। हम गिनती की पुस्तक निकालेंगे, बाइबल में हम देखते हैं गिनती 13, जिसमें लिखा कि यहोवा ने मूसा से कहा कि कनान देश जिसे मैं इसराइलियों को देता हूँ उसका भेद लेने के लिए पुरुषों को भेज, वे उनके पितरों के प्रति गोत्र के एक एक प्रधान पुरुष हों। यहोवा से ये आज्ञा पाकर मूसा ने ऐसे पुरुषों को परान जंगल से भेज दिया जो सबके सब इसराइलियों के प्रधान थे, हालेलुया। परमेश्वर ने यहाँ मूसा से क्या कहा कि जो भी इसराइली मिस्र से आए हैं उनमें से 12 गोत्र हैं, तो प्रति गोत्र हर एक गोत्र में से एक एक जन जो उस गोत्र का प्रधान हो, तो 12 गोत्र हैं तो 12 जन चुन लो और उन्हें उस देश में जो मैं तुझे देता हूँ, जो तुम्हारे वायदों का स्थान है जहाँ पर तुम्हें एक दिन पहुँचना है, उस देश में इन 12 लोगों को भेजो जो जाने और वहाँ का भेद लें कि क्या है वहाँ पर, वहाँ पर पेड़ है या नहीं है, वहाँ की भूमि उपजाऊ है या नहीं है, वहाँ के लोग बलवान है या कमज़ोर हैं, वहाँ पर लोग बस्तियों में रहते हैं या गढ़ वाले नगरों में रहते हैं, मीन्स कि क्या एटमॉस्फेयर है, क्या देश है वहाँ का, क्या कुछ है वहाँ पे, तो उसका भेद लेने के लिए यहोवा के कहे अनुसार मूसा ने इन 12 को भेजा था, हालेलुया। तो जैसे ही ये वहाँ पे पहुँचे कनान में 40 दिन के बाद, तो इन्होंने देखा कि सब कुछ बहुत सुंदर, बहुत समृद्ध, सब कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग प्रॉस्पर है पूरा, जैसा परमेश्वर ने कहा कि दूध और शहद की नदियां बहती है, ऐसा परफेक्ट और ब्लेस्ड और बेस्ट देश मैं तुझे दूंगा। उन 12 ने देखा कि सब कुछ वैसा ही है जैसा परमेश्वर ने कहा कि बड़े बड़े पेड़ हैं वहां पे, वहां की जमीन बहुत उपजाऊ है, वहां के लोग बस्तियों में ही नहीं बल्कि बड़े बड़े गढ़ वाले नगरों में रहते हैं। और जब उन्होंने देखा, इन सब कुछ को देखने के बाद जब उन्होंने वहां के निवासियों को देखा तो वो सरप्राइज्ड हो गए और वो शॉक्ड हो गए। उन्होंने क्या देखा कि वहां के लोग बहुत बलवान और बड़े डील डॉल वाले हैं। तो उन 12 में से 10 ने अविश्वास किया, हालेलुया। उन 12 में से 10 ने उन बड़े बलवान और डील डॉल वाले स्ट्रॉन्ग राक्षस जैसे बड़े लोगों को, निवासियों को देखकर उन्होंने अविश्वास किया कि ये तो पॉसिबल ही नहीं कि हम इस देश पर कभी फतेह पाए, क्योंकि यहाँ के लोग तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, हम इन पर कभी भी जीत नहीं सकते। लिखा कि परमेश्वर को गुस्सा आया और वो लोग जिन्होंने अविश्वास किया था वो कभी उस वायदों के स्थान तक पहुंच नहीं पाए थे। लेकिन परमेश्वर गुस्सा करने में धीमा है, परमेश्वर अपने लोगों से प्रेम करता है। जब हम परमेश्वर से अपने पापों की क्षमा मांगते हैं, जब हम अपने अविश्वास का उपाय करते हैं, विश्वास में आगे बढ़ते हैं, तो परमेश्वर फिर हमें थामता है, हालेलुया। उन 12 में से 10 ने अविश्वास किया, लेकिन 2 ऐसे जन थे जिन्होंने विश्वास किया था, हालेलुया, यहोशू और कालेब। उन्होंने आकर क्या कहा कि नहीं, परमेश्वर ने निसंदेह वो देश हमारे हाथ में कर दिया है, हालेलुया। उन्होंने क्या कहा 30 में, जब देखते हैं 13 गिनती उसकी 30 में, कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के लिए कहा कि हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर लें, क्योंकि निसंदेह हमें ऐसा करने की शक्ति है, हालेलुया, कि निसंदेह हमें ऐसा करने की शक्ति है, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर सकते हैं। उन दोनों ने विश्वास किया परमेश्वर के वचन के ऊपर कि परमेश्वर जिसने हमें लाल समुद्र को 2 भाग करके किस तरह से मिस्र से हमें परमेश्वर यहाँ तक लेके आया है, तो परमेश्वर हमें आगे भी लेके जाएगा। उन दोनों ने विश्वास किया, लिखा उन्होंने कहा कि परमेश्वर हमारे संग है, अब हम अभी जाएंगे और उस देश को अपना कर सकते हैं। लिखा है कि परमेश्वर में उन दोनों के विश्वास के कारण जितने इजरायली मिस्र से आए थे वो सभी तो नहीं जा सके अपने अविश्वास के कारण, लेकिन उनकी नेक्स्ट जनरेशंस जो 20 साल के कम की उम्र की थी, और साथ में ये 2 जन जिन्होंने विश्वास किया परमेश्वर के वचन के ऊपर, जिन्होंने विश्वास किया कि परमेश्वर ने हमें ऐसा करने की शक्ति दी है, हमारे पास अथॉरिटी है, अगर परमेश्वर का वचन कहता है तो यस हम कर सकते हैं, वो 2
और इजराइलियों के 20 साल की कम की उम्र की नेक्स्ट जनरेशंस ने उन बड़े डील डॉल वाले बलवान लोगों के साथ उन्होंने मुकाबला किया, वो लड़े, परमेश्वर इनके संग था और लिखा है कि वो जीते और कनान उनका हुआ। आमीन।